एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, और वहां केजरीवाल का नया ठिकाना तिहाड़ का बैरक। लोकसभा चुनाव की ये फाइट इतनी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी कब इसी भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिरती चली गई किसी को पता ही नहीं चला। और इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या राज्यों में सिर फुटव्वल के बावजूद एकता का बखान करने वाला ये इंडिया गठबंधन क्या सच में लोकतंत्र को बचाने की कवायद में है या खुद के अस्तित्व को? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। आज की रात केजरीवाल की कुछ ऐसी है जिसका कभी उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा। जेल का खाना, पढ़ने को बस कुछ किताबें और चारों तरफ एक ऐसी दीवार जिसे वो फिलहाल तो नहीं लांघ सकते, और वो जगह होगी तिहाड़ का जेल नंबर 2। आपको मैं ये भी बता दूं कि ईडी ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी, लेकिन उन पर आरोप ये लगाया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। अब एक बात जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी लपेटे में ले लिया। यानी कि ईडी के सूत्रों ने दावा किया है कि केजरीवाल की तरफ से ये कह दिया गया है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ही रिपोर्ट करते थे। फिर क्या था, इसके बाद एक सियासी भूचाल आ गया। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मुखरता से दिल्ली की सरकार को बाहर चला रहा था तो वो ये दोनों चेहरे थे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। अब मैं आपको बताऊं, शाज़िया इल्मी ने तो ये तक कह दिया कि केजरीवाल की आदत ही यही रही है कि वो अपनों के साथ इसी तरह विश्वासघात करते हैं। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है, कि अब उनका बयान यह है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भरद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था, हाँ ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों, पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल इस वक्त जरूर होगा कि वो गठबंधन और एकता की बात करने वाले साथी अरविंद केजरीवाल के साथ इस मुश्किल वक्त में कितना खड़े हैं। अब आइए इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं, और इसे जानने के लिए विपक्ष की रैली की जो तस्वीरें कुछ सामने आई दिल्ली के रामलीला मैदान से, उन तस्वीरों को देखना और उनके मायने क्या हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल और साथ में कौन है? सोनिया गांधी। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि कोई गहन चर्चा हो रही होगी, जाहिर है बात अरविंद केजरीवाल की ही हो रही होगी। और अब सुनीता केजरीवाल को कांग्रेस की मदद कितनी ज्यादा जरूरी है वो शायद ये बता भी रही हूँ सोनिया गांधी को, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये वही सोनिया गांधी है जो सबसे ज्यादा अगर किसी के निशाने पर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। खैर, सुनीता केजरीवाल ने फिर से सबके सामने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, एक बार वो सुनिए। आज आपके अपने केजरीवाल ने जैसे आपके लिए एक संदेश भेजा है, इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए?
केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं, यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूं। भारत माँ बहुत दुखी है, भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा। अब ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। मसलन अब सारी तैयारी चुनावी ही है। अब सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे युवा चेहरे हैं राहुल गांधी, क्योंकि मौसम के साथ चुनाव के साथ क्रिकेट का भी मौसम है, तो राहुल गांधी ने कैसे ईवीएम पर निशाना साधने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया है, अब वो आप देखिए। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर
प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। अब देखिए, एक तरफ ये तमाम पार्टियां हैं और दूसरी तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। अब एक बात तो तय है, जो राजनीतिक पंडितों का भी कहना और मानना है, और वो बात ये है कि राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर बिहार की सिर्फ उटवल हो, ये लड़ाई हो, ये एकता इसीलिए भी दिखाई देती है क्योंकि मौजूदा सरकार की इस आंधी में अब जो बाकी तमाम विपक्ष हैं उनके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई हो चली है। यानी कि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिर्फ यही मौका है अब विपक्ष को अपनी ताकत दिखानी है, और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि हम एकजुटता से लड़ाई कर रहे हैं, एक साथ अब जो मोदी के खिलाफ ये चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं, चाहे वो बिहार की बात हो, कई सारी ऐसी सीटें, और एक नया टर्म भी अब आपको दिखाई देगा, फ्रेंडली फाइट, यानी कि एक ही गठबंधन का हिस्सा है लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, दूसरी पार्टी कह रही है कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये तो फ्रेंडली फाइट है। इसका मतलब ये है कि जो लड़ाई है या सिर्फ उटवल है उसको एक बस अच्छा नाम देने की कोशिश की गई है और वो नाम है फ्रेंडली फाइट। लेकिन ये फ्रेंडली फाइट या फिर इस वक्त जो एकता दिखाई दे रही है वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे उस पर कितना असर डालती है? क्या सच में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी पूरे आश्वासन के साथ, या मैं कहूँ एनडीए, जो 400 पार का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुकी है, क्या वो इसी तरह अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब होती है, या फिर विपक्ष की जो तैयारी है या फिर जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या ये सब कुछ वोटों में तब्दील होता है? इन सब के लिए इंतजार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का करना होगा। लेकिन तब तक के लिए, हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए, अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।